अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग सब लोग? अल्लाह की फजल करम से अच्छे होंगे। अभी मैं सुबह उठी हूँ और अभी मैं मशीन लगाई हूँ कपड़े धोने के लिए। और चलिए अभी किचन में चलना है। और मैं आज बना रही हूँ सुबह के टिफ़िन में सोया की भाजी और रोटी बना रही हूँ। और इसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ कि मैं आगे और अभी क्या काम कर रही हूँ। ये देखिए निकल रहा है पानी। अभी मैंने मशीन लगाई हूँ, ये देखिए। अभी ये कपड़े धुलेंगे, तब तक मैं अभी खाना बना लेती हूँ। चलिए अभी चलना है हम लोगों को किचन की तरफ। भाजी रोटी तो बना ली हूँ, अब दोपहर के लिए मैं लेकर आई हूँ मच्छी। और मैं अभी मच्छी का सालन बनाते हुए भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मच्छी का सालन में किस तरीके से बता रही हूँ। अभी मच्छी का सालन बना के मैं मिलती हूँ। अभी मच्छी का सालन बनाने के लिए मुझे गीला खोपरा लेने के लिए जाना है। अभी नीचे जाऊंगी, गीला खोपरा लेकर आऊंगी। मैं मच्छी का सालन बनाती हूँ। गीला खोपरा और कांदा ये पीस कर टमाटर भी डाल देती हूँ, खटाई नहीं डालती मैं। और टमाटर डाल के सब साथ में मसाले मैं पीस लेती हूँ और उस तरीके से फिर मच्छी का सालन बनाती हूँ। आज मैंने सोची हूँ दोपहर में कि मच्छी का सालन बनाऊँ। मेरी बेटी फरहाना गई थी मार्केट, तो उसने देखी आज मच्छी अच्छी आई है, तो फ़ोन की कि अम्मी मच्छी ले लूँ क्या? पहले तो उसने बोली कि अम्मी मैं झींगा लेती हूँ। मैंने बोली नहीं बेटा, झींगा अभी साफ़ करने के लिए टाइम नहीं है, झींगा मत ले और मच्छी ले ले। तो उसने आज क्या कि मेरे लिए मच्छी लेकर आई है। अभी मैं मच्छी साफ़ करूँगी और फिर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगी कि मच्छी का सालन मैं कैसे बना रही हूँ। अगर पूरा वीडियो आप लोगों को मैं बताते रहूँगी तो फिर उसी के मच्छी के सालन में ही मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरी बेटी ने मुझे बोली अरे अम्मी इतने दिन बाद में मच्छी आई है तो ले लो ना। बोली नहीं बेटा मुझे काम बहुत है, अभी मैं काम करूंगी कि मैं वही करूंगी, फिर मुझे बाहर काम पे भी जाने का रहता है। तो फिर भी मैंने बोली कि ठीक है बेटा लेकर आ जा, आज मैं बनाऊंगी। क्योंकि ये बारिश के दिनों में मच्छी कहाँ आती है, बारिश के दिन में तो मच्छी मिलती ही नहीं है। इसलिए आज आ गई है मच्छी तो लेकर आई और मैं आप लोग को फिर वो भी दिखाऊंगी। चलिए फिर शाम का नाश्ता भी मैं क्या बनाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बहुत दिन के बाद में ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ब्लॉग क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरा दूसरा चैनल वो हो गया, क्या बोलते हैं इकरा, उसके मोनेटाइज बंद हो गया है। मोनेटाइज बंद होने क्या हुआ, डीमोनेटाइज हो गया है। इसके वजह से मेरा दिल ही नहीं लग रहा था कि मैं दूसरे चैनल का ब्लॉग बनाऊं। तो आज मैंने सोच ली चलो फालतू बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें मेहनत करना है, कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। इस वजह से मैंने सोची चलो आज से मैं रोज़ के मेरे क्या बोलते हैं रूटीन, हाँ रोज़ की रूटीन। ये देखिए सब मुझे बोलने नहीं आता है, अगर बच्चे लोग साथ में रहेंगे तो मैं बोल बोल के आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ किस चीज़ को क्या बोलना है मुझे, क्योंकि मुझे अपने से कुछ भी बोलने के लिए जमता ही नहीं है। अच्छा चलिए अभी मैं मिलती हूँ मच्छी का सालन बनाने के टाइम पर। ये देखिए तेल फ्राई पैन में गर्म हो चुका है, कढ़ाई में ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ ये मच्छी का सालन बघारने के लिए। ये देखिए ज़ीरे को कड़ी पत्ते को हमें अच्छे से भून लेना है, उसके बाद हमें डालना है जो हमने सारे मसाले पीस के रखे हैं, हम वो मसाले इसके अंदर डाल देंगे। मसाले में है गीला खोपरा, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सब डाल के मैं मसाला पीस ली हूँ। अगले खोपरे का अच्छा लगता है एक कांदा डाली हूँ और दो टमाटर छोटे से डाल के ये पूरा मसाला मैंने बनाई हूँ। और ये मसाले को हमें तेल में अच्छे से भून लेना है। मसाले सारे भून गए, अच्छे से पक गए। मैंने इसके अंदर एक गिलास पानी डाली हूँ और ये देखिए मैंने कच्ची मच्छी डाली हूँ। कच्ची मच्छी डालने से सालन में बहुत टेस्ट आता है और हम लोगों को कच्ची मच्छी का ही सालन पसंद है। देखिए मैंने ये सारी मच्छी इसमें डाल दी हूँ, वो मुंडी है और थोड़ी सी दूम है और बीच का हिस्सा है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अभी मैं चावल भी बना रही हूँ, दोपहर के खाने में मच्छी का सालन और चावल है। और ये देखिए हमें है ना मच्छी को अच्छे से उसमें पका लेना है सालन में। अच्छी पक गई मच्छी तो फिर हमें ऊपर से कोथमीर डालना है, कोथमीर डाल के ढाक कर हमें गैस को बंद कर देना है। ये हो गया हमारा मच्छी का सालन, चावल तैयार हो गया दोपहर के खाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को शाम के नाश्ते का भी बताऊंगी। और ये देखिए और मैंने थोड़ी मच्छी फ्राई भी कर रही हूँ, ये देखिए मच्छी फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मैंने आधी मच्छी का सालन बनाई हूँ और आधी मच्छी फ्राई कर ली हूँ। मुंडी का सालन बहुत अच्छा बनता है, इसके लिए मुंडी का बनाई। ये देखिए ये एक कबूतर है,
ये मेरे हस्बैंड को कहीं से नीचे से मिल गया था, बोले देख इसको शायद चिड़े कबूतर या किसी कबूतरों ने मारे या कौवे ने मारे पता नहीं, तो इसको घर पे लेकर आ गए। देखिए अभी इसको मैं अच्छा कर रही हूँ, ये देखो भाग रहा है। अभी इसको अच्छा करके इसके जैसे ही पर आ जाएंगे ना मैं इसको उड़ा दूँगी। अभी तो ऐसे ही घर में घूमता है, खिड़की पर बैठता है, बाहर भी छोड़ती हूँ फिर भी नहीं चला जाता उड़कर, और वो यहीं बैठा है। इसको अच्छा करके मुझे उड़ा देना है। ये भी मैं शाम के नाश्ते के लिए बना रही हूँ आलू कटलेट। ये देखिए मैंने आलू को उबाल ली हूँ, इसमें डाली हूँ कोथमीर, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्चें बारीक काट कर, काली मिरी और ये ज़ीरा पाउडर डाली हूँ। ये देखिए साइड में चला गया है ये ज़ीरा पाउडर, और ये मैंने थोड़ा सा कांदा भी काट के ली हूँ। अभी इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके इसके बनाना है आलू कटलेट। अल्लाह मैंने तो नमक भूल ही गई डालना, ये नमक अब ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है आलू कटलेट्स में, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे अभी मिक्स। ये देखिए यहाँ फ्राई पैन में तेल गरम हो रहा है, अभी मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। ये अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और मिक्स करेंगे मिक्स करके और अभी ये बनाना है अच्छे से हमें कटलेट्स। ये देखिए इस तरीके से कटलेट्स क्या है ना थोड़ा सा मोटे ही होना चाहिए। अभी मैं ये पूरे बना लेती हूँ जितने बनते हैं। बच्चों को शाम का नाश्ता चाहिए पाव, और मैंने बोले आज कटलेट्स पाव खा लो। ये देखिए मेरा तेल भी गरम हो गया है, तेल गरम होके तेल की भाप आ रही है। अभी मैं जल्दी जल्दी से बना के कटलेट्स रख देती हूँ। चलिए पहला एक एक हम रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आलू कटलेट्स कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इसको एक साइड पूरा होने देना है अच्छे से फ्राई, उसके बाद उसको टर्न करना है, वरना आलू कटलेट्स टूट जाता है क्योंकि इसको ऊपर से कुछ लगाए नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से टर्न करना है हमें। ये देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है। इस तरीके से हमें एक साइड एक ही बार टर्न करना है, बार बार नहीं। देखिए ना आलू को ज़रा सा भी धक्का लग गया कि टूट जाएगा। ये बीच वाला मैंने लास्ट में डाली हूँ, इसलिए इसको लास्ट में ही टर्न करेंगे। घूम जा। ये माशाल्लाह आलू कटलेट्स को ना पलटी करने में बहुत डर लगता है। ये देखो हमारे इकरा बकरी है मोबाइल, उसको ठसका लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यार से निकल जाओ अखे अखे के कटलेट्स, वरना टूटेंगी तो डर लगता है। ये निकल गया। ये माशाल्लाह निकल गया। हम पाँव को भी ज़रा अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पाँव को अच्छे से सेक लेंगे ना तो कटलेट्स इसके अंदर रखकर हरी चटनी या सॉस के साथ खाओ तो माशाल्लाह एक नंबर लगेगा शाम का नाश्ता पाँव कटलेट्स में। ये देखिए ये कढ़ाई में मैंने जो कटलेट्स तली थी उसी कढ़ाई में डाली हूँ ना, इसलिए ये सब कटलेट्स का लग गया है पाँव में। अच्छे से दबाकर ये देखिए हो गया, ये हमारा पाँव अच्छे से सेका गया। अभी हम खाएंगे गर्मा गर्म कटलेट्स पाँव का नाश्ता। आ जाओ नाश्ते के लिए। एक चटनी चाहिए कि ये हरी चटनी चाहिए कि ये चाहिए? कुछ भी। सॉस लगाओ? नो। चटनी? ग्रीन चटनी ना? सॉस लगाओ थोड़ा सा। चम्मच लेके आते तो अच्छा रहता था। शिवा चम्मच लेके आ। एक चटनी से चटनी। नहीं। ये आलू कटलेट्स। हेलो ये तुम्हारा पीछे से आना चाहिए। सॉस चाहिए तुम्हें? क्या है रे शिवा चैनल दिखाओ। वीडियो बन रहा है मालूम है तो पीछे से आना चाहिए ना, आगे से क्यों आती है? ये देख और खाकर टेस्ट कैसा है ये भी बताना।
तेज है ये है नहीं करने का। शिफा इधर आ, टेस्ट बता कैसा है। ये इकरा के लिए हरी चटनी, कोथमीर, लहसुन और नमक और बाद में नींबू डाल दिया इसके अंदर, तो माशाल्लाह ग्रीन चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये इकरा का कटलेस पाव, फिर तो साजा कटलेस पाव खाने के लिए। क्या तेरे को हरी चटनी चाहिए कि सॉस? हरी चटनी, ये फिर दोस्त के लिए एक इकरा का देने का आवाज ले। फिर दोस्त चलिए, ये अरे ये मेरे लिए, मुझे तो हरी तो चटनी पसंद है। ये देखिए बीज घर में मैंने रस्सी बांधी हूँ, बारिश के वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं। मशीन के कपड़े हैं फिर भी नहीं सूखते, तो रात को सोने के टाइम पर ही मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ। ये देखिए रात में सब बच्चे सो रहे हैं, उसके बाद ही मैंने ये कपड़े सुखाई हूँ। और मच्छर बहुत हो गए हैं, ये देखिए ये मच्छर वाली लाइट भी लगाई हूँ मैं।